आप सब मेरे मेरे मार्गदर्शक है, जहां से जीवन बना है। ये नरसिंह भाई ने मेरा गरीबी में बहुत साथ दिया था। एक बार तालियां बजाओ जोरदार। ये मुकेश भाई बेटा, इनके पूरे परिवार की पीढ़ियों तक हमारे परिवार को उन्होंने संभाला है, तब ओम आचार्य यहां तक पहुंच पाया है। नहीं तो क्षमा की मानिंद ताबिंदा रहे, और बहुत सताया लोगों ने फिर भी हम जिंदा रहे, और भीख भी मांगी तो इस शान ने खुददारी के साथ कि देने वाला भी सदा हम पर ही फिदा रहे। ऐसा व्यवहार जी करके और मैंने मेरी जन्मभूमि की मर्यादा को रखा है। जैसा कि ये वरिष्ठ सेवा नागरिक सेवा समिति का उद्देश्य रहा है, मैं अनुरोध करना चाहूँगा उन तमाम शिक्षक वृंदों से कि वे पधारेंगे, उनका सम्मान अभिनंदन होगा और सम्मान अभिनंदन के साथ ही आप सभी का वंदन भी होगा। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जिनका नाम संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर है, और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम जैसे अनेकों लोग काम कर रहे हैं। तो प्रोफेशनली प्रेरक के रूप में आपने इस महत्वपूर्ण भूमिका को गोडवाड क्षेत्र में इसकी शुरुआत करी, और आज उन्हीं के सानिध्य के अंदर अनेकों लोग आज इस मुख्य भूमिका को निभाते हैं। सम्मानीय ओम प्रकाश जी आचार्य हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा जोरदार तालियां बजाएं। आपने दो बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष अपने प्रोटोकॉल के तहत और समय के नियोजन के साथ में आपने अपनी बात को, अपने संचालन को वहां पर किया। ये हमारे गोड़वाड़ क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है, और मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदया आदरणीय ललिता जी शाह और अध्यक्ष महोदय आदरणीय गोपाल सिंह जी चौहान से निवेदन करता हूँ कि वे आपका सम्मान करें। साथ ही ये एक फोटो है, एक पत्रिका जो है हमारे मुंबई के अंदर श्री महेंद्र जी के माध्यम से, इस पत्रिका के अंदर आपके संपूर्ण जीवन काल को, जहां आपकी उपलब्धियां रही है उन पूरे उपलब्धियों को इस जो है तस्वीर के अंदर पिरोया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदया से कि वे पधारें और एक बार ओम जी भाई साहब का जोरदार तालियां बजाएं। वैसे आज मुझे बांधा गया है हमारी समिति ने कि आप एक भी शायरी नहीं बोलोगे, समय का नियोजन रखोगे, तो ये उसी बंधन में काम कर रहा हूं। बाकी आज ओम जी भाई साहब के सम्मान में मैं जरूर चार लाइन जरूर बोलूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है। कहते हैं ना कि ओम नाम की शक्ति का हम सब ने लोहा माना है, और प्रकाश की सत्ता को तो सूरज ने पहचाना है। अरे ओम नाम से शुरू हुआ ये ओम प्रकाश कहता है, ये ओम जी भाई साहब का व्यक्तित्व रहा है, और प्रोफेशनली एक प्रेरक के रूप में आपने ये काम किया है, जैसा कि हम लोग आज कर रहे हैं मुख्य फील्ड में। ये बुलंद आवाज के धनी बादशाह आपका सम्मान अभिनंदन किया जा रहा है, तालियों के साथ अभिनंदन करें, क्योंकि आपको निकलना है। ये रात को सांचौर थे, वहां से सीधे यहां आए इस कार्यक्रम के लिए, और वापस जिला स्तर के कार्यक्रम को संचालित करना है। तो मैं आज के इस मौके पर निवेदन भी करूंगा कि आप दो शब्द हम सभी को प्रेरक के रूप में कहकर के पधारें आज के इस मौके पर। मैं आदरणीय ओम जी आचार्य से निवेदन करता हूं। भाई साहब पधारो, दो मिनट आप उद्बोधन भी बजाएं, फिर आप पूरी समिति की तरफ से फ्री आप पधार सकते हैं। तो मैं आदरणीय ओम जी सर से निवेदन करता हूं। चंपालाल जी, अभी चूंकि समय की मर्यादा है, प्रवीण जी भाई साहब का मैं बहुत दिल से अदा शुक्रिया अदा करता हूँ। आदरणीय उगम सिंह जी और वकील साहब कमल जी ने मेरी अप्रोच की, गोयल साहब शाम को डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम कंडक्ट करना है, तो मैंने प्रवीण जी को पहले ही विनती की थी और इन्होंने मेरी विनती को माना है। मैं आयोजन समिति का और विशेष रूप से मेरे सामने जितने भी विद्वान मेरे जो है मार्गदर्शक बैठे हुए हैं, उन सभी से क्षमा याचना चाहते हुए, जो प्रोटोकॉल बना हुआ था उसके अंदर संशोधन करके उन्होंने मुझे जगह दी है। मैं वरिष्ठ नागरिक समिति का ये उपकार कभी जीवन में भूलूंगा नहीं। मैं एक बार पुनः आपसे क्षमा चाहूंगा, और मेरी बात को बिना कोई पूर्व भूमिका के, कोई लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो पाली शिफ्ट हो गए,
लेकिन आज भी हिंदुस्तान में कहीं भी कोई पत्रिका आती है, कोई वीडियो आता है, कोई यूट्यूब में प्रोग्राम आता है, तो केवल ओम आचार्य फालना ही छपता है। कारण इसका क्या है कि किस किस की नजर को पहचाने, हम सब की नजर में रहते हैं और किस्मत ही ऐसी पाई है, हरदम सफर में रहते हैं। ओम आचार्य का आधा जीवन सफर में बीता है, मगर फिर भी मैं मेरी आत्मा से आपको कह रहा हूं, क्योंकि सब मेरे माइत बैठे हुए हैं यहां पे, मरकर मिली है चादरें खा के वतन मुझे, मरकर मिली है चादरें खा के वतन मुझे, और मिट्टी ने इसे फालना की दिया है ये फन मुझे, भारत की गर्दे राह है मुश्के खुतन मुझे, और जन्नत से भी अजीज है ये फालना की माटी मुझे। मित्रों, इसको मैंने कभी भूला नहीं है, इन लोगों के उपकारों को मैंने मेरे जीवन में भूला नहीं है, उपकार छोटा हो या बड़ा हो। ये नरसिंह भाई बैठे हैं, मैं 30 रुपए महीने में इनके तीनों बच्चों को पढ़ाने जाता था, वहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई आकांक्षा होती है, कोई ना कोई मनोगत भाव होते हैं कि मैं वो बनूं, ये बनूं, सब कुछ। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अभी इन्होंने एक शेर पढ़ा था भाई साहब ने, पंडित जी ने, क्या था वो? हाँ बोलो ना। हाँ तो वो बात, मतलब मैं आपको हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपने शिक्षक की एक परिभाषा दी है। इन्होंने, पंडित जी ने आपको बताया था, उस बात को मैं मेरे ढंग से और आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, कि सुर सजाने के लिए साज बनाता हूं। इंदा साहब, सुर बनाने के लिए साज बनाता हूं और घायल परिंदों को मैं बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें जमाने की, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें जमाने की, फिर दुनिया बदलने के लिए एक नई आवाज बनाता हूं, नई आवाज बनाता हूं। और बनाए होंगे समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। और बनाए होंगे माल और जर, बनाए होंगे माल और जर महल और बुर्ज और खलीफा तुमने, लेकिन मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं, कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। गोयल साहब ये शिक्षक है, और आज मेरी आत्मा इसलिए प्रसन्न है कि आज मेरे शहर की बुद्धि बैठी है, सभी बुद्ध पुरुष मेरे सामने बैठे हुए हैं। जिस लेवल की ऑडियंस है, उस लेवल से अगर कोई आदमी काम करेगा तो उसकी जीत है, इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि डिफरेंट डिग्रीज है, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है, डिफरेंट ऑडियंस है, डिफरेंट एनवायरमेंट है, और इन सारी चीजों को लेकर के जो आदमी अपनी बात कहेगा वही यहां से जीत के जाने वाला है। ऐसी सभा है, ऐसे विद्वान सभा को मैं एक बार फिर आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिस समाज में शिक्षक का सम्मान कभी नहीं होता है, जिस समाज में शिक्षक का सम्मान कभी नहीं होता है, चाहे उसमें कुछ भी हो पर ज्ञान कभी नहीं होता है। शिक्षक वो माली है, शिक्षक वो माली है जो बगिया में गंद लुटाता है और मिट्टी पानी श्रम से जो बीजों में सुमन खिलाता है। दीप शिखा को स्नेह दान दे, उनमें ज्योति जगाता है और अंधियारों के लिए जतन से नन्हे सूर्य उगाता है, नन्हे सूर्य उगाता है। साहब शिक्षक क्या है? अपने आप को पहचानने की बात है। गुरु का दान दूध है, मां का उसे न पैसों से तोलो, गुरु का दान दूध है, मां का उसे न बाटों से तोलो, गुरु की आन दुआ है उसके लिए कुटिलता मत घोलो, गुरु का ज्ञान निशा में जैसे विमल सुधाकर का उगना, और गुरु का मान लीक लक्ष्मण की उसका लंघन मत करना, क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई भी देवालय भी नहीं होता है, और फिर भी इस वैरागी को अभिमान कभी नहीं होता है, अभिमान कभी नहीं होता है।
उन्नत कल के लिए आज पर जो सर्वस्व लुटाता है, उन्नत कल के लिए आज पर जो सर्वस्व लुटाता है और नई पौध को विष दंतों से जो हरान बचाता है, उसके आश्रम में यदि तुम उसके आश्रम में यदि तुम सत्ता का बल दिखलाओगे तो नरभक्षी संस्कृति का तुम शिलान्यास कर जाओगे, शिलान्यास कर जाओगे। क्योंकि नरभक्षी का कभी कोई ईमान कभी नहीं होता है, चाहे उसमें कुछ भी हो पर ज्ञान कभी नहीं होता है। इसलिए मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य का यह निवेदन कि गुरु आंख बंद करके भी सब देख सकता है, वो तमाशा ही नहीं है, मगर हमारा हर तमाशा देख सकता है। तुम दरवाजे खिड़कियां बंद कर भी डालो तो क्या होगा, ये तो सूरज है जिसे सारा जहां देख सकता है। गुरु बिन कोई देव नहीं है, नहीं चिंतामणि रत्न रहे। गुरु बिन कोई देव नहीं है, नहीं चिंतामणि रत्न रहे। काम धेनु नहीं कल्प वृक्ष नहीं, गुरु बिन नहीं अस्तित्व रहे। और गुरु में सब पद श्रेष्ठ है लोगों, गुरु पद में भगवान रहे। रिटायर्ड होने के बाद भी एक अध्यापक की समाज में वही इज्जत होती है जब वो नौकरी में था, ये शिक्षक का स्वरूप है। इसलिए आज सभी का मुझे आशीर्वाद मिला, मेरे मेरे जो है चेहरे के भावों से आप पता लगा रहे होंगे कि मैं आज कितना अभिभूत हूं। आप सब मेरे मेरे मार्गदर्शक है, जहां से जीवन बना है। कि नरसिंह भाई ने मेरा गरीबी में बहुत साथ दिया था। एक बार तालियां बजाओ जोरदार। ये मुकेश भाई बेटा, इनके पूरे परिवार की पीढ़ियों तक हमारे परिवार को उन्होंने संभाला है, तब ओम आचार्य यहां तक पहुंच पाया है। नहीं तो क्षमा की मानिंद ताबिंदा रहे, और बहुत सताया लोगों ने फिर भी हम जिंदा रहे, और भीख भी मांगी तो इस शशांक ने खुददारी के साथ कि देने वाला भी सदा हम पर ही फिदा रहे, ऐसा व्यवहार जी करके। और मैंने मेरी जन्मभूमि की मर्यादा को रखा है, और आज मेरे बोलने में प्रवीण साहब से माफी चाहूंगा कि मेरा नंबर आपने लगा दिया तो मेरी जिंदगी बना दी है, क्योंकि मेरे को आगे ऑफिसरों के आगे हाजिरी देनी जाकर के। तो जो दुखाया आपका मन जान में अनजान में, या कहे हो दुर्वचन भी भूल कर अभिमान में, तो वीर का भूषण क्षमा है, वो हमें भी दीजिए, और मैल मन का धुल सके वो स्नेह वृष्टि कीजिए। ये वरिष्ठ नागरिक समिति ने इतना बड़ा आयोजन किया है, सारे सीनियर सिटीजन है, पानी का गिलास उठाने की हिम्मत नहीं होती, कई तो ऐसे लोग है, लेकिन इनसे हमें ये सीख मिलती है कि ऐ लोगों, आयोजन के अनुभव से कुछ बनना सीखो, आयोजन के अनुभव से कुछ बनना सीखो, औरों का बनने से पहले अपने बुजुर्गों का बनना सीखो। उजालों की परिभाषा तो मिलेगी किताबों में, उसे जानने के लिए ये वरिष्ठ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के तरह दीपक की तरह जलना सीखो, तब ये प्रकाश हुआ है। इन विद्वानों में से किसी एक को भी हम घर पे नहीं बुला सकते हैं साहब, क्योंकि सबकी अपनी गरिमा है, सबका अपना व्यक्तित्व है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। और टुडे सारी की सारी डायनेमिक पर्सनैलिटी यहाँ पर बैठी हुई है। पुनः नमन करता हूँ, और आपका आशीर्वाद मिला मेरा गौरव है। मेरे भाई प्रवीण जी आज जो ये बोल रहे हैं, और आज जो इनकी शैली है, मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह के ऑफिसर्स यहां सीनियर बैठे हुए हैं, जिनका पूरे राजस्थान में दबदबा था, ऐसे ऐसे घोड़वाड़ के शेर बैठे एजुकेशन के, लेकिन इस इन रेस्पेक्ट ऑफ एटमोस्फियर, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिग्निटीज, इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आपकी बात जो निकल रही है, ईच एंड एवरी वर्ड कम्स टू हार्ट एंड अपील्स टू हार्ट डायरेक्टली, दैट इज द रियल कमेंट। प्रवीण जी को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, चंपालाल जी को नमन करता हूं, गोपाल सिंह जी दाता, चंपालाल जी रोज फोन आवे पहुंचा देना भैया। मैंने कहा चलो आज हरि पंडे बड़े सेठ साहब के दर्शन हो गए, आपका बालक ओम आचार्य आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता।